Diego. Estamos acá. और मैं बड़ी कोई चुड़ियां उड़ियां पहले नजर आ रही हूँ आज, उसकी वजह ये है कि ये शो मैंने ईद पे रिलीज करना है, तो मैंने कहा मैं पहले ही थोड़ी चुड़ियां उड़ियां पहन के बैठ जाऊँ, वरना वो मैं तो अक्सर अपने शो में कहती हूँ, मुझे हम धमकियां देते हैं ना दूसरी कंट्रीज को, तो हम कहते हैं हमने भी कोई चुड़ियां नहीं पहन रखी, तो वो वाली अब आज नहीं बोल पाऊंगी कि हमने भी चुड़ियां नहीं पहन रखी। राम मंदिर क्या, ऐसे 10,000 राम मंदिर बनाओ, लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दुनिया के ऊपर इस्लाम गलबा करेगा, चाहे वो हमारे साथ जिस किस्म के साथ भी हम करें, इंशाल्लाह इस्लाम को हैवी आएंगे, वो चाहे कश्मीर में हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंशाल्लाह हम इस्लाम के साथ हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इत्काफ, जो मुसलमान जो है रोजा रखते हैं तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहां पे वो इबादत कर सके, लेकिन तारड़ साहब ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरगढ़ एक इलाका है, शहर है, वहाँ पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्तकाफ में रेप हो गया। ये पाकिस्तान की ये सोशल डिजनरेशन की क्या वजह है? अगले दिन एक मौलवी साहब थे, बड़ा नाम हुआ मौलवी साहब का, उन्होंने एक उस मौलवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिसने किसी को रेप करने लगा था, और वो FIR हुई है, लेकिन वो उन्होंने जाके कहा कि सुलह कर लो। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज ईद है, तो ईद की आप सभी को हाथ जोड़कर राम राम। तो देखिए इस्लाम को भाई पाकिस्तान ने इतना बदनाम कर दिया है, पाकिस्तानियों के लिए बोल रहा हूँ भाई, वैसे भारत के अंदर अच्छे लोग हैं, मुस्लिम हैं, तो पाकिस्तानियों ने भाई साहब 13 साल का बच्चा था मात्र, और वो ईद यानी कि इबादत करने गया था मस्जिद में भाई, वहां पर उसके साथ ज्यादती कर दी मौलाना ने, पाकिस्तानी मौलानाओं ने भाई पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे विश्व में, दूसरे उनका भी किया है क्योंकि उनकी रील पाकिस्तानियों की देखते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन, वीडियो शुरू करते हैं। रमजान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है, यानी बुराई बहुत कम हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एरिया मुजफ्फरनगर में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि मस्जिद के अंदर 13 साल लड़के के साथ ज्यादती की गई है, और जिसने ज्यादती की है वो भी मस्जिद में इबादत के लिए गया था, और वो बच्चा भी इबादत के लिए गया था। मगर सर आपने देखा रमजान में कई मौलवी जो है उनकी बड़ी वीडियोस वायरल हुई, उन्होंने कहा किसी ने कहा कि सांस हल्के लिया करें वरना रोजा टूट जाता है, किसी ने कुछ बताया, ये आखिर इतने मौलवी जो है उनके हम इतने मोहताज क्यों हो गए पाकिस्तान वाले हैं? तमाम मीडिया पर एक ही खबर चल रही है कि पाकिस्तान में एक बहुत शर्मनाक सा वाकया पेश आया है। मैं पूरी दुनिया में एक चीज बोली जाती है कि पाकिस्तानी सोसाइटी बहुत एक्सट्रीमिस्ट है, तो क्या हम अपने इस बिहेवियर से इस चीज को प्रूव कर रहे हैं? नहीं, आप अपने तमाम बिहेवियर से प्रूव करते हैं, सिर्फ एक बिहेवियर से क्यों? तो ये सब मानसिकता भारत के अश्लील और बेहुदा मुसलमान मतों के अंदर भी है, और पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान के मर्दों के अंदर भी है। हमारी ही मस्जिद में हमारे ही बंदे ने इत्तकाफ में बैठ के जना कर दिया। अब आप तारीख अगर हमारी देखें, ठीक है, हमारी जो तारीख है उसके बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा ना। एक ओंदलस का जो बादशाह था उसने अपने छोटे बादशाह की बेटी के साथ जना कर दिया था, और उसने खत लिखा था जो है ना तारिक बिन जैद को, वी टॉक अबाउट द रेप केस इन द मॉस्क, ठीक है, ड्यूरिंग जो रमजान शरीफ, आप इनके जो जिनके जो है ना जो टेम्पल्स है, अच्छा, गिरजाघर से कहते हैं, मंदिर कहते हैं, मंदिर में जाए, वहाँ जो पंडित हैं, they are also involved such practices very much। कोई जैसे ये अभी खबर आई है ना, तो ऐसे कोई आप वाकया बताएं। देखिए ढूंढने से मिल जाती है, ऐसी बात नहीं, हमने तो ऊपर किया हुआ है, ठीक है, कई वो कंसील कर जाते हैं, जो नंस होती हैं इनके साथ भी सैप हो जाते हैं, जो पंडित होते हैं वो कर लेते हैं हिंदुओं के साथ, अच्छा, ये चीजें प्रैक्टिस पूरी दुनिया में चल रही है। मस्जिद में जितने हमले हुए हैं, वो पाकिस्तान में ज्यादा हुए या इंडिया में? मैं आपको बता, हुक्म तो ये है, बंदन एक मर्द जो है वो कहीं बाजार में निकलता है, अच्छा, और वो देखता है उसकी किसी से कोई बदनजरी इसकी हो जाती है, उसके हुक्म ये है घर आए और अपनी बीवी से हम बिस्तरी करें। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अच्छा, उसके लिए हुक्म है, ठीक है, ताकि उसकी वो डाइल्यूट हो जाए उसकी, ठीक है। अब पहली बात तो ये है, अब ये भी देखना कि जिसने ये काम तो किया, शादी नहीं हुई, मैं बताता हूँ जी, एक बच्चा यंग हो गया है, 18-20 साल का हो गया खुदा ना खास्ता लेकिन जो सोशल डिजनरेशन के हवाले से इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है। ताड़ साहब, चीमा साहब, ह्यूमन इंस्टिंक्ट, अच्छा उसमें चीमा साहब आपने बिल्कुल सही, आज सुबह मुझे एक आर्टिकल, मैं उसका भी रेफरेंस साथ देना चाहूंगा, एक तो बच्चे के साथ मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती है, मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया, ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर। और चीमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि BBC के ऊपर आर्टिकल है आज, उन्होंने आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे, मेरे लिए वॉज वेरी शॉकिंग आर्टिकल।
तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे, हमायों भी इस तरह करते थे और जो उनके सारे फ्रेंड्स थे। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300-300 औरतें होती थी फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो चार शादियों के हक में नहीं हूं, चार शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी, बिल्कुल जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक इंसान चार शादियां कर ले, वरना इट इज नॉट दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर, लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना, और चीमा साहब मुझे ये बताया कि अफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं जायज। मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले नौज बिल्ला पहले ये पढ़ के देखें, ये बीबीसी आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज रोजे हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें। और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है। और आज ये आपने जो बात की है चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया। अमेरिका में मैंने, मेरी तीन, मेरे चार बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन, ऑनलाइन कुरान, उनकी माँ ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन, जरूरत नहीं थी इतनी इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता हूँ। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का ग्लास अगर सेफ नहीं है तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां। और सबसे बड़ी वजह ये बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर, इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की, इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप, आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं, रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पर रोजा, फैशन के तौर पर नमाज, बुखाड़े देंगे नमाजा, वो हमारे कहने बुखाड़े देंगे नमाजा को बिल्डिंग टकरा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो मुल्क भीख पर चल रहा है, यानी कि भीख पे ही है भाई, क्योंकि 25 मिल रहे थे, $5 बिलियन ही अभी उनको मिल रहे हैं, शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया से लेके आया है वो मुल्क, यानी कि आप इस चीज को भाई कितना भी बढ़ा लो, कितना भी, मैंने देखे इसमें हर इतनी क्लिप दी है भाई, यानी कि पाकिस्तानियों में जो दूसरे कहीं और कुछ भाई दूसरी कंट्री में बात होगी, यानी कि अभी देखिए जो कई वाक्य हुए थे, स्वीडन में हुए थे, फ्रांस में हुए थे, जो मुसलमानों पर जो भी कुछ हो रहा था, तो पूरे के पाकिस्तान सड़कों पर निकला था, आपको याद होगा। और अब जो पाकिस्तान के अंदर ही 13 साल के बच्चे के साथ जाति की है मौलाना ने मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और इतना हवा नहीं बना, यानी ये तो भाई यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानियों को पूरा खोल के रखते हैं और उनकी जो दिखाते हैं दुनिया को, भाई हमारे यहाँ पर भी है, बड़ी हिम्मत चाहिए भाई इस चीज़ के लिए भी। बट पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर इतना हल्ला गुल्ला नहीं मचा, क्योंकि उनके लिए आम है, पाकिस्तानियों ने तो ये चीज़ इसलिए ही बना रखी है ताकि वो अपने हवस है उसको पूरी कर सके। और उससे भी ज्यादा देखिए भाई, दिमाग देखिए कहाँ से सीखते हैं, मेरे पास भी भाई इंस्टा पे एक दो रील पड़ी है, मौलाना बोला कि भाई बच्चा जब बड़ा हो जाए शादी कर दो, अगर शादी नहीं कर रहे आप तो माँ बाप की गलती, अगर वो कुछ ऐसा करता है तो, यानी कि, और ये भाई वहां पे भी चल सकता है इनके कोर्ट में एक्सक्यूज, वाह पाकिस्तान है तो भाई मुमकिन है। आप लोग कह रहे हैं जय जवाब जय श्री राम।